हेलो एवरी वन वेलकम टू स्टडी स्कॉड आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास एट्थ साइंस की बुक का चैप्टर टेन एम सी क्यूज़ इसमें चैप्टर टेन के एम सी क्यूज़ जो चैप्टर है हमारा रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस तो एम सी क्यूज़ के साथ ना हम काफ़ी एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे तो पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होता है ओवलेशन होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होता है कि ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स इनमें से क्या क्या होता है फीमेल्स की बॉडी में जब वो प्यूबर्टी हिट करती हैं तो इसका आंसर देखो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव ए लॉट्स ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी मतलब जो एज होती है टीन एज होती है थर्टीन फोर्टीन की एज उसमें प्यूबर्टी हिट करती हैं ज़्यादातर लड़कियाँ मतलब टेन से लेकर के 14 तक लॉट ऑफ चेंजेस अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स इन गर्ल्स ऑविनेशन एनलाजमेंट ऑफ ब्रेस्ट ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स आर द मेजर चेंजेस नेक्स्ट क्वेश्चन है एच आई वी वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से एच आई वी वायरस किस में प्रेजेंट नहीं होगा तो ब्लड स्वेट ब्रेस्ट मिल्क या सीमेंट किस में नहीं होगा स्वेट में सोल्यूशन देखिए ब्लड सीमन एंड ब्रेस्ट मिल्क ऑल आर द बॉडीज इंटरनल फ्लूड तो बॉडी के इंटरनल अंदर जो फ्लूइड्स होते हैं वो हैं वंस द वायरस एंटर्स द बॉडी इट स्टार्ट डिवाइडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑल ओवर द बॉडी इट इज प्रेजेंट इन द इंटरनल फ्लूइड्स लाइक ब्लड एंड गेट्स ट्रांसमिटेड टू अदर हेल्दी इंडिविजुअल तो एच जो है वो पसीने के ने से नहीं फैलता है जो बॉडी के इंटरनल फ्लूड्स हैं वो उससे फैलता है तो एच आई वी फॉर्म क्या होती है ह्यूमन डिफिशेंसी वायरस प्यूबर्टीन फीमेल्स बिगिनस एट द एज ऑफ किस एज में होती है तो 11 से 13 या फिर कुछ टेन से फोर्टीन तक की चली जाती है प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ज़्यादा लड़कियों में अलेवन से थर्टीन के बीच में प्यूबर्टी इज़ द पीरियड ड्यूरिंग विच गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकम केपेबल ऑफ रिपोडक्शन प्यूबर्टीन गर्ल्स इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व वन दे आर अलेवन टू थर्टी थर्टीन ईयर्स ओल्ड द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो रेफर टू विच ऑफ द फलोइंग हार्मोन ग्लैंड सिक्रीटिंग द हार्मोन आर लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ किडनीज ठीक है और फिर उसके बाद किडनीज में लोकेटेड होते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोजन इंटू ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं और इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो इनमें से कौन सा हार्मोन ये सारे काम करता है तो इसका आंसर है एड्रेनेलिन तो एड्रेनेलिन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रेनल ग्लान्ड तो एड्रीलिन हार्मोन जो है वो एड्रेनल ग्लैंड के द्वारा सक्रियट होता है एड्रेनेलन इज सेक्रेटेड बाय

नेक्स्ट है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग द फ्लूड दैट कम्स आउट ऑफ विजाइना कंटेंस डैश अलॉन्ग विद ब्लड तो जब पीरियड्स होते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है उसमें ब्लड निकलता है विजाइना से और उसके साथ साथ इनमें से क्या निकलता है तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी ओवम द विजाइनल फ्लूड शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कंटेंस द अनफर्टिलाइज एग एंड दिक एंड एडो एनटोमेट्रीनल लाइनिंग ऑफ द यूटरस अलॉन्ग विद ब्लड वेसल्स तो ओवम बी ब्लड के साथ बाहर निकलता है द टाइम पीरियड वेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तो टाइम पीरियड मतलब बॉडी में काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस आते हैं जब हम रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एटोलिस डी तो एडोलसंस इज़ द इंटरमीडिएट ग्रोइंग स्टेज बिटवीन चाइल्ड हुड एंड एडल्टुड ड्यूरिंग एडोलसंस बॉडी अंडर गोज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस एंड अटेन रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी दिस पीरियड वेरीज फ्राम पर्सन टू पर्सन अलग अलग लोगों के अलग अलग टाइम पर एडोलसेंस आता है इन विच ऑफ द दिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगजिज एड्स इनमें से कौन सा वायरस एड्स कॉज करता है तो एच आई वीमन ह्यूमन इम्यूनोडिफिशंसी वायरस से एड्स होता है तो एड्स इज़ कॉज बाई ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनिडिफिशंसी वायरस एच आई वी पासिस फ्राम इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट शेयरिंग सरेंजेज इंड ब्रेस्ट फीडिंग तो इसके थ्रू जो है जैसे कि जिस पर्सन को एच आई वी है एड्स है अगर उसकी जिसने मतलब इंजेक्शन एक इंसान इंसानी उसके वही सेम इंजेक्शन किसी और के अगर लगा दिया गया उसी से दूसरे पर्सन को भी एड्स हो सकता है नेक्स्ट है इन गर्ल्स द ओवरीज इन एग्स बिकम मेच्योर एंड ओवरीज बिगिन टू रिलीज ओवम बाय द प्रोसेस ऑफ किस प्रोसेस से ओवरीज से ओवम होता है तो इसका आंसर है ओव्यूलेशन ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस इन विच मेच्योर ओवरीज रिलीज एग सेल और ओवम यूजअली सिंगल सेल इज प्रोड्यूस ज्यूरिंग ओव्यूलेशन साइकिल फीमेल हार्मोन ऑस्ट्रोजन इज रिलीज बाय द ओवरीज विच प्रमोट ओव्यूलेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द द फॉलोइंग इज चेंज सीन इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्यूबर्टी के टाइम पर गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी वन ऑफ द मेजर चेंजेस इन गर्ल्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी इज ब्रेस्ट डेवलपमेंट ऑल्सो इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर ज्यूरिंग प्यवर्टी

द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ पी साइज ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ऐसे पी की साइज का ग्लैंड होता है लोकेटेड बिलो द हाइपोथेलेमस विच इज कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी वाई बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इट इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम एज इट प्रोड्यूज ऑल द क्रिटिकल हार्मोन्स विच रेगुलेट द सेक्रिएशन ऑफ ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये बट हैपन्स ड्यूरिंग मीजोपॉज मीनोपॉज के टाइम पर क्या होता है बॉडी में तो मैंसूरेशन uh, नहीं होती है ठीक है तो मैंसुरेशन नहीं होती है ए बी सी ये जो है ना ए बी सी मैंसरेशन नहीं होती और नो आ, मैच्योरेशन ऑफ न्यू फॉलिकल ओवरिज स्टॉप सेक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन तो एग्स बनने बंद हो जाते हैं और पीरियड्स भी बंद हो जाते हैं मीनोपॉज के टाइम पर फिफ्टी फिफ्टी के एट के राउंड आता है मीनोपॉज द टाइम इन ऑल वीमस लाइफ मेस्ट्योरल स्टॉप परमानेंटली इट टिपिकली अकर बिटवीन फोटी नाइन एंड फिफ्टी टू ईयर्स एज एट मीनोपॉज नो एसट्रोजन इज सक्रियड बाई द ओवरिज एंड दस नो न्यू फॉलिकल इन हिंस नो ओविशन अकर्स देर फोर मैं नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन स्प्रेड एड्स एड्स इनमें से किससे फैल सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड सी हैज आंसर तो एड्स इज कॉज्ड बाय एच आई वी वायरस इट कैन स्प्रेड थ्रू वेरियस मीन्स लाइक सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड फ्रॉम प्रेगनेंट मदर टू हर चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग इट डज नॉट स्प्रेड बाय टचिंग किसिंग सोशलाइजिंग विद अ इन्फेक्टेड पर्सन ईटिंग मील्स विद अ इन्फेक्टेड पर्सन और मॉस्किटो बाइट्स इन सबसे चाहे भी देखिए ऊपर वाले जो है इनसे तो फैल सकता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड और प्रेग्नेंट मदर से उसके बच्चे में या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान तो और या फिर सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से और इसके अलावा जो नीचे वाले है इनसे नहीं फैलता है डिफिशंसी ऑफ आयोडीन इन आर डाइट लीड्स टू द कंडीशन ऑफ अगर डाइट में हमारे आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है गोइटर बी तो इसका आंसर है देखिए आयोडीन इज असेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन इन एन अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर थायरोक्सिन द ग्लैंड एंड लार्ज दिस इज कॉल्ड गोइटर तो जब मतलब ग्लैंड क्या होता है जब इसकी कमी हो जाती है ना आयोडीन की बॉडी में तो जो हमारा ग्लैंड होता है वो जो आयोडीन मतलब सिक्रीट कर रहा थायरॉक्सिन हार्मोन तो इसकी वजह से क्या होता है ना ग्लैंड बहुत ज़्यादा फैल जाता है मोटा हो जाता है तो उससे ना गला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है मोटा सा तो उसको ही क्वाइटर कहते हैं तो ये कुछ एम थे और हमने एम के साथ साथ क्वेश्चन एम सी क्यूज़ के जो क्वेश्चन थे उसके साथ हमने चैप्टर की चीज़ें भी समझने की कोशिश करी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए थैंक यू